आज हम बात करने वाले हैं LSTM के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल LSTM है क्या? LSTM है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को पे गौर करें तो पिछला लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू RNN जो था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व करने के लिए हम मूव हुए LSTM की तरफ। इसकी मेमोरी में इतनी कैपेसिटी होती है कि पिछले सारे वेरिएबल्स को अपने पास रख सकता है, इसीलिए और इन्हीं वजूहात की वजह से हम LSTM पे स्विच हुए। तो LSTM को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें इसके आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसके एक्टिवेशन फंक्शंस को समझना पड़ेगा जो कि इसमें यूज़ होते हैं। पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन इसमें यूज़ होता है वो है हमारे पास सिग्मोइड। सिग्मोइड आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही काम करता है, नेगेटिव में भी जाता है, पर वो सिर्फ 0.5 से कम वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव एक्सेस में ही लेकर जाता है, और पॉजिटिव एक्सेस में भी वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0.5 से ही स्टार्ट होता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है tanh, टेंजेंट फंक्शन भी जिसको हम बोलते हैं, वो पॉजिटिव एक्सेस में भी और नेगेटिव एक्सेस में भी दोनों में काम करता है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वाई एक्सेस स्पेशली, अब अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो इसका आर्किटेक्चर कुछ यूं है। ये इसकी इनपुट साइड है, ये इसकी आउटपुट साइड है। ये जो है ये अल्फा ए टाइप बना हुआ, ये हमारा सिग्मोइड कहलाता है, और ये रहा हमारा tanh। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ये कौन कौन से टाइप्स के इसमें गेट होते हैं। ये जो पहला ये गेट है या ये जो लाइन बनी हुई है, ये है फॉरगेट गेट। ये जो लाइन बनी हुई है ये है सेल स्टेट, इसमें से पूरा डेटा हमारा जा रहा है। उसके बाद ये जो बना हुआ है और यहाँ पे जो जा रहा है ये हमारा है इनपुट गेट, और यहाँ पे ये जो है ये है हमारा आउटपुट गेट। अगर हमें अपडेट और रीसेट करना पड़ता है तो फिर हम ये GRU ये यूज़ कर सकते हैं। ये सिग्मोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये tanh को रिप्रेजेंट कर रहा है। X जो है हमारा पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है, प्लस जो हमारी साइन है वो है पॉइंट वाइज एडिशन, ठीक है। उसके बाद ये जो साइन है ये है वेक्टर कॉन्कैटिनेशन। चले हम देखते हैं सेल स्टेट। तो जो सेल स्टेट होती है वो ऐसे वर्कआउट करती है, पहले उसे आके फंक्शन मिलेगा यहाँ पे फॉरगेट गेट से, फिर इनपुट वाले से, उसके बाद आउटपुट वाले के पास हो जाएगा। इज दैट फाइन? यहाँ पे इनकी पूरी लिखी हुई है कि कहाँ से कौन सा वेरिएबल मिल रहा है हमें। उसके बाद हमारे पास अगर हम फॉरगेट गेट की बात करें तो फॉरगेट गेट HT+1 और जो हमारा है X1 उनसे मिलकर हमारा फॉरगेट गेट बनता है, और फिर वो F1 बन के यहाँ पे हमारे सेल स्टेट के साथ कंबाइन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हिडन स्टेट की, तो हिडन स्टेट जो होती है वो कुछ इस तरह कहलाती है, और बीच में उनकी लाइन मिसिंग होती है, इसीलिए हम उसे हिडन स्टेट कहते हैं। अब अगर हम बात करें इनपुट गेट की, तो इनपुट गेट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। जो ये वैल्यू यहाँ पे बनी है ये यहाँ पे सिग्मोइड के पास आएगी और यहाँ पे tanh के पास आएगी, और इनमें से मिलकर यहाँ पर इसमें पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होती है, फिर ये जाती है हमारे सेल स्टेट के पास। चले हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आउटपुट गेट, ये जो वैल्यू बची ये आके यहाँ पे आई हमारे पास सिग्मोइड में आकर यहाँ पे आई tanh में। यहाँ पे ये जो हमारा आखिरी सेल बचा था, फिर ये दोनों तरफ से एज एन आउटपुट स्टेट चले गए। ये था हमारा LSTM कि LSTM वर्कआउट कैसे करता है, उसमें गेट कौन कौन से होते हैं और आउटपुट कैसे निकालता है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग सीक्वेंसेस का देखें तो वो ये है, सिंपली हम वैल्यूज उसमें डालते जाते हैं सेल्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका एक एग्जांपल देख लें, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है। हमने सिंपली पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है TensorFlow को, TensorFlow को इम्पोर्ट करने के बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाया है रैंडम वेरिएबल्स का। उसके बाद
चार न्यूरॉन्स की एलएसटीएम लेयर बनाई है और आउटपुट इज इक्वल्स टू एलएसटीएम इनपुट्स कर दिया है, ठीक है। एलएसटीएम के एज एन इनपुट आउटपुट शेप हमने देखी है, तो वो है हमारी 32.4। उसके बाद हमने ये एलएसटीएम क्रिएट किया है, रिटर्न सीक्वेंस इज ट्रू और रिटर्न स्टेट भी दोनों हमने ट्रू किए हैं। उसके बाद होल सीक्वेंस आउटपुट जो कि हमारी ये है, फाइनल मेमोरी स्टेट, फाइनल मेमोरी स्टेट हमारी इनपुट स्टेट ही है और हमारी फाइनल कैरी स्टेट भी वही है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो मेमोरी है वो तो हम कह सकते हैं कि बहुत शानदार है। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, मैंने एक डेटा सेट उठाया है, उसमें हम वर्कआउट करने वाले हैं, वो है रिलेटेड टू सेंटिमेंट्स, क्योंकि आरएनएन जो काम करता है वो काम करता है टेक्स्ट पे बहुत अच्छे तरीके से, एलएसटीएम भी उस पर बहुत अच्छा काम करता है, पर उसके साथ साथ टाइम सीरीज एनालिसिस में इससे अच्छा कोई काम ही नहीं करता। चलें तो फिर हम इस एग्जांपल को देखते हैं। पहले हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरीज का आपको पता होगा, ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी लाइब्रेरीज हैं, नंपाई पांडास। उसके बाद हमने काउंट वेक्टराइजर ये हमने कॉल किया है, टोकनाइजर, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इनके काम क्या है जब हम इनको यूज करेंगे। पैट सिक्वेंसेस, सिक्वेंशियल का पता है आपको, डेंस एम्बेडेड एल एस टी एम, स्पेशल ड्रॉप 1D जो हम ड्रॉप आउट करते हैं, क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम ड्रॉप आउट लेयर क्यों क्रिएट करते हैं। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और टू कैटेगोरिकल आरी, इम्पोर्ट आरी। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा को पहले तो इम्पोर्ट किया है, उसके बाद डेटा में से सिर्फ टेक्स्ट और सेंटिमेंट ये जो दो कॉलम्स हैं यही हमने कॉल आउट किए हैं। उसके बाद हमने बेसिक्स की जो कमांड्स होती हैं वो इस पे लगाई हैं कि लिमिटेशन होनी चाहिए, सब लोअर में होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने साइज चेक की है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी हमारे हैं उनकी साइज हमारे पास यहाँ पे आ गई है, तो नेगेटिव जो भी टेक्स्ट हैं उनकी जो साइज है वो एज कम्पेयर टू पॉजिटिव ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है आरटी को एक स्पेस के साथ, ठीक है। उसके बाद मैक्स फीचर्स हमने इसमें दे दी है कमांड कि 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टोकनाइजर अब क्या करता है, टोकनाइजर ये करता है कि ग्राफ्स को स्प्लिट करता है सेंटेंसेस में और उनको एक मीनिंग असाइन कर देता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग उनको स्प्लिट करता है, ये होता है टोकनाइजर का काम। अब अगर हम इनको, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फिट ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट में फिट करवाया उनको, और एक्स और वाई में, एक्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया है, वाई को जो है हम एज डमी वैल्यूज लेंगे, एक्स जो है हमने यहाँ पे टेक्स्ट सीक्वेंसेस डेटा टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल यूज किया है, वैल्यूज यहाँ पे ये हमने बनाया था। अब पैट सीक्वेंसेस का काम क्या होता है कि वो सबको एक ही लेंथ पे लेकर आया जाता है ताकि उनको हैंडल करना आसान हो। जो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, पेट सीक्वेंसेस का काम यहाँ पे वही है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हम उनको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास टेक्स्ट है, ताकि इसीलिए हम पेट सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल इजी चीज है आप सबके सामने कि हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, मॉडल बनाया है सीक्वेंशियल का, हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं सिक्वेंशियल क्लास का। उसके बाद एम्बेडेड लेयर बनाई है, जब भी हम LSTM या ऐसी किसी नेटवर्क्स पे काम करते हैं तो फिर हम फर्स्ट हिडन लेयर एम्बेडेड बनाते हैं। उसके बाद हमने ड्रॉप आउट यूज़ किया है, आपको पता है कि ड्रॉप आउट हम क्यों यूज़ करते हैं, LSTM लेयर बनाई है उसमें भी हमने ड्रॉप आउट यूज़ किया और रिकरेंट ड्रॉप आउट भी यूज़ किया है। रिकरेंट ड्रॉप आउट क्यों, क्योंकि ये LSTM RNN के बेसिस पे ही बना हुआ है तो इसमें उसके फीचर्स भी हैं तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट लेयर बनाई है जिसमें दो न्यूरॉन्स हो, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स है हमारा, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दो न्यूरॉन्स ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द इट्स आर्किटेक्चर एज वेल। मॉडल कंपाइल लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, वो हमारे इनपुट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट क्या है, अभी हमारे आउटपुट सिर्फ दो ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हमने दो ही यूज किए हैं। यहाँ पे हमने कंपाइल किया इसको, क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजर एटम मैट्रिसेस एक्यूरेसी, ये हमने इसकी समरी देखी है मॉडल डॉट समरी फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर हम आ जाते हैं y के अंदर हम डमी वैल्यूज डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास y था नहीं, इसलिए हम उसमें डमी वैल्यूज डाल रहे हैं और x और y को स्प्लिट कर रहे हैं। टेस्ट साइज हमने 0.33 दिया है, रैंडम स्टेट 42 दिया है। रैंडम स्टेट का मतलब क्या होता है, जब हमारा डेटा मल्टीपल पैचेज में डिवाइडेड होता है तो उसमें से भी वो रैंडम वैल्यूज लेगा,
ठीक है चले। उसके बाद हमने इनकी शेप्स को देखा है, शेप हो गई। उसके बाद हमने फिट कर दिया है इसको, सिंपली हमने फिट कर दिया। यहाँ पे हमें एक्यूरेसी बता रहा है, लास्ट एक्यूरेसी हमारी है 93% और लॉस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी साइज की वजह से। उसके बाद हमने एक्स वैलिडेट, वाई वैलिडेट, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। एक्स वैलिडेट जो है हमारे पास वो नेगेटिव में पूरी एक्स की वैल्यूज, ये कॉलन का मतलब होता है ऑल, ठीक है, और वाई में भी नेगेटिव मतलब लास्ट से स्टार्ट करें, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। उसके बाद हमने इवेल्युएट किया है इसको, बैच साइज, वर्बोस, ये सारे वेरिएबल्स के बारे में आपको पता है। इसका लॉस और एक्यूरेसी आप देख लें, एक्यूरेसी है इसकी 83% और इसका लॉस 0.43 है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखे हैं कि कितने परसेंट पॉजिटिव हैं और कितने परसेंट नेगेटिव हैं। ये वेरिएबल्स क्रिएट किए हमने फॉर एक्स इन रेंज लेंथ एक्स वैलिडेट, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उसमें हमने एक्स वैलिडेट ही लगाया है, ठीक है। उसके बाद उसको रीशेप किया है, रीशेप करने के बाद उसमें उसकी शेप डिफाइन किया है, बैच डिफाइन किया है, वर्बोस डिफाइन किया है, फर्स्ट को ये उठाकर उसकी शेप एंड ऑल। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट रिजल्ट इक्वल इक्वल टू वाई वैलिडेट चेक भी कर रहे हैं हम उसे, ठीक है। अगर उसके बराबर होगा तो वो नेगेटिव में इंक्रीमेंट कर देगा, अगर वो पॉजिटिव के बराबर होगा तो वो पॉजिटिव में इंक्रीमेंट कर देगा। अगर वाई वैलिडेट उसकी जो वैल्यू है एक्स के बराबर है और वो इक्वल इक्वल टू जीरो है तो भी वो नेगेटिव काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देगा और पॉजिटिव में तब करेगा जबकि वो इक्वल टू जीरो ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को प्रिंट करवा दिया है इन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो लास्ट में जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है वो है 60% पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास 90% है। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने ये एक फॉर एग्जांपल हमने एक ट्वीट लगा दी मीटिंग बिकॉज नन ऑफ अस इज एज डम एज ऑल ऑफ अस। ट्वीट इज इक्वल्स टू टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। उसके बाद पेड सीक्वेंसेस के अंदर हमने इसकी मैक्स लेंथ, उसके बाद इंट में इसका डेटा टाइप होना चाहिए, वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटीमेंट पे इसको चेक किया है कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स जीरो इसलिए लगाई है क्योंकि हमने वहां पे लिस्ट क्रिएट किया है, लिस्ट का पहला ही वेरिएबल यही है तो हम उसे चूज करना चाहते हैं। उसके बाद हमने इक्वल इक्वल टू जीरो पे इसको नेगेटिव प्रिंट करवाना है और इक्वल इक्वल टू वन पे इसे पॉजिटिव। आप अगर इसे देखें तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है तो ये नेगेटिव ही हमारे पास आउटपुट आया है। दैट इज इट ओनली फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो देखने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।